किलोग्राम फुल पावर लिफ्टिंग में प्रियंका कटारिया ने जीता गोल्ड मेडल। गुरुग्राम के विभिन्न जिलों में जिम करने वाले 85 लड़के और लड़कियों ने लिया हिस्सा। युवाओं में जिम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सुखराली स्थित टॉन जॉन जिम में विभिन्न आयु व भार वर्ग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम के विभिन्न जिलों में जिम करने वाले 85 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर का जलवा बिखेरा। इस दौरान 55 किलो वर्ग वेट फुल पावर लिफ्टिंग में प्रियंका कटारिया ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी जिम का नाम रोशन किया। वहीं प्रियंका कटारिया ने कहा कि पहला गोल्ड मेडल मिलने से उन्हें काफी खुशी हुई है और आगे भी इसी तरह अपनी मेहनत निरंतर जारी रखेगी। हालांकि उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपने कोच दीपक चौधरी को दिया। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी मेहनत है कि आज उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गेम में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं उन्होंने अपने और साथी लड़कियों को भी कहा कि आज लड़कियां किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती हैं। सर, ये फुल पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करा। उसमें डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट का कंपटीशन था, जो मैंने अपने 55 की कैटेगरी में 197 वेट अटेम्प्ट किया है, जिसमें मैंने गोल्ड लाया है। मेरे साथ और भी बहुत थे प्रतियोगिता में, बट वो नाकाम रहे। मुझे बहुत खुशी है गोल्ड जीत के। इसका श्रेय मेरे कोच को जाता है और मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि मैं आगे अच्छे लेवल पे, अच्छे स्तर में कंपटीशन लड़ूं, अपने देश का और अपने जिम का हर एक का नाम रोशन करूं। शुरू में मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी, मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी, बट जैसे जैसे मुझे मेरे कोच ने मोटिवेट कर रखा था, उन्होंने जो मुझे कहा था कि हमारे लिए, अपने देश के लिए करना है, तो उससे मुझे मोटिवेट हुआ और मैंने वो जीत हासिल करी। इसमें लगभग 85 लोग थे, 85 लोग थे, जिनमें से मैंने गोल्ड हासिल किया अपनी वेट कैटेगरी में। इस दौरान कोच दीपक चौधरी ने कहा कि युवाओं को जिम में शरीर के प्रति जागरूक करना आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है और युवाओं को अपने शरीर पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रियंका कटारिया ने गोल्ड जीतकर एक बार फिर हासिल कर दिया है कि लड़कियां किसी भी मुकाम में पीछे नहीं हैं। मैं इनको यही कहूंगा कि इन्होंने कम ही समय में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके इस मेडल को प्राप्त किया, जिससे कि मेरे को बहुत खुशी है। और साथ ही में ही इनकी इस कामयाबी को देखकर जिम के और बच्चे भी और लड़कियाँ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और उन्होंने मेरे से बात भी करी इस मैटर में कि सर हम भी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, तो बहुत ही मोटिवेटेड हैं और कहते हैं कि इस बात को कि कम समय में लक्ष्य को हासिल किया इन्होंने। कल लड़कियां कोई पीछे नहीं लड़कों से कदम बढ़ा के साथ चलने में आ गई हैं। हर एक फील्ड में देख सकते हो आप, लड़कियां आजकल पायलट बनी हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, तो ये नहीं है कि वो वेट नहीं उठा सकती, उठाने को कुछ भी कर सकती हैं, पर एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है जो कि आजकल नहीं हो पा रहा है, और अगर गाइडेंस मिले तो लड़कियाँ पीछे नहीं है किसी भी हालत। ऐसे में वेट लिफ्टिंग में प्रियंका कटारिया ने गोल्ड जीतकर आगे की तैयारी शुरू कर दी है और आने वाली प्रतियोगिताओं में नेशनल लेवल पर खेलकर प्रदेश व देश का नाम ऊंचा करने का संकल्प लिया है। आगे की तैयारी है सर, अभी आने वाले बहुत कंपटीशन है, मैं उनमें अच्छे लेवल पे, नेशनल पे जाना चाहती हूँ सर, और देश का नाम करना चाहती हूँ। और लड़कियाँ जो भी मेरी एज की हैं, जो भी, उन सबको मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि जिम लाइन से भी हम अपना नाम बना सकते हैं। खबर तहलका के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।